नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Vivo V40 Pro 5G versus Poco F6 5G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो V40 Pro में 6.47 इंच जबकि F6 5G में 6.32 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि V40 Pro से कम है। विड्थ की बात करें तो V40 Pro में 2.96 इंच जबकि F6 5G में 2.93 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि V40 Pro से कम है। बात करें थिकनेस की तो V40 Pro में 0.3 इंच जबकि F6 5G में 0.31 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि V40 Pro से ज्यादा है। अब बात करते हैं वेट की तो V40 Pro में 192 ग्राम जबकि F6 5G में 179 ग्राम का वेट देखने को मिलता है। चलिए अब हम डिस्प्ले की तुलना करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही AMOLED की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो V40 Pro में 6.78 इंचेस जबकि F6 5G में 6.67 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन V40 Pro में 1260x2800px FHD+ और F6 5G में 1220x2712px FHD+ मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो V40 Pro में 89.91% जबकि F6 5G में 89.95% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो V40 Pro में 453 पिक्सेल प्रति इंच जबकि F6 5G में 446 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो V40 Pro में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में टेलीफोटो कैमरा देखने को मिलता है। और F6 5G की बात करें तो इसमें 2 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो V40 Pro में 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और F6 5G की बात करें तो उसमें 20 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो V40 Pro में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 2 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं, और F6 5G में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 6 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU और RAM की जानकारी देखेंगे। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो V40 Pro में Immortalized G715MC11 जबकि F6 5G में Adreno 735 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो V40 Pro में MediaTek Dimensity 9200+ और F6 5G में Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 मिलता है। बात करें RAM की तो V40 Pro में 8GB जबकि F6 5G में 12GB RAM मिलती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो दोनों फोन में सेम ही 256GB स्टोरेज मिलती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी दोनों फोन में नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में एंड्रॉइड V14 देखने को मिलती है। बैटरी V40 Pro में 5500 mAh जबकि F6 5G में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 2 कलर्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो
V40 Pro 8GB RAM 256GB स्टोरेज के साथ 39,999 रुपीस में मिल जाता है। और बात करें F6 5G की तो वो 12GB RAM 256GB स्टोरेज के साथ 31,999 रुपीस में मिलता है। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो Vivo V40 Pro 5G में 8 फायदे और 6 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Poco F6 5G की तो उसमें 8 फायदे और 5 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है, मेन कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में V40 Pro आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Oppo F25 Pro 5G है, दूसरा Nothing Phone 2A 5G है, तीसरा Vivo V30 5G है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Vivo V30 Pro 5G है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्रिय दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।